नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, जब से आप लोगों का रिजल्ट आया हुआ था तब से आप लोग परेशान थे, अब आप लोगों के लिए राहत की अपडेट आ चुकी है। जी हाँ साथियों, चाहे आप B2UP के स्टूडेंट हैं, डी फार्मा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग अपनी कॉपी देख सकते हैं। छात्रों के लिए अपडेट आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे हमने कॉपी अच्छी लिखी, अपनी कॉपी कैसे हम देख सकते हैं, तो उनके लिए राहत की खबर आ चुकी है। और भी सारी चीजें हैं आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक और जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ में अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको लगातार डी फार्मा पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। फिर भी आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाया जाएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे की अपडेट देते हैं। जैसे कि साथियों आप लोग देख सकते हैं, जावेद मुस्तफा का एक ट्वीट आया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है साथियों प्राथमिक शिक्षा मंत्री, जी हाँ साथियों शिक्षा मंत्री जो है उनका जो है आ चुका है, जो कि आशीष पटेल, ठीक है जी, ने जो यहाँ पर देख सकते हैं को प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक छात्र की ओर से धन्यवाद कहा है, छात्रों की ओर से धन्यवाद बोल रहे हैं सर, और अपने छात्रों की बात सुना और आपके निर्देश पर रिवेल्यूएशन का शुल्क आधा कर दिया गया है। यानी जिन्होंने अभी तक 500 रुपये शुल्क दे रहे थे, इसकी फीस अब मात्र 250 रुपये हो चुकी है, ये जो है निर्णय लिया गया है। साथ ही कॉपी दिखाई जाने का भी निर्णय लिया गया है। यदि आपको लगता है कि आपको नंबर कम मिले थे, कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है, आप कॉपी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग कॉपी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, सर ने आप लोगों की बात सुनी। आप लोग जो चाह रहे थे फीस बिल्कुल ना दिया जाए, लेकिन फीस को आधा कर दिया गया, ये भी राहत की अपडेट है। और साथ ही आप लोग अपनी कॉपी भी चेक कर सकते हैं बड़ा जो है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक और सभी मुस्तफा का ट्यूट आया हुआ था, जो कि पॉलिटेक्निक का छात्र को रिजल्ट का देखकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि बड़ी संख्या में पेपर देने वाले एबसेंट कर दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका साथियों पेपर दिए हैं, एबसेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ में देख सकते हैं 10 में से 6 या 8 स्टूडेंट बैक लगी है, यहाँ पर जितने मतलब ये 10 स्टूडेंट हैं, लगभग 6 स्टूडेंट की यहाँ पर बैक ही लगी है, लगभग 40% तो रिजल्ट ही आया था। तो ऐसे में साथियों मथुरा, मुजफ्फरनगर, हाथरस, हमीरपुर में पॉलिटेक्निक छात्रों प्रदर्शन किया, जी की यहाँ पर कृपया बात सुने, और यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री जी ने बात भी सुना, उनका पूरा निर्णय लिया गया, जिनका शुल्क काट लिया गया उन बच्चों का आधा शुल्क वापस किया जाएगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। जी हाँ साथियों, आप लोगों का शुल्क जो है, जिन भी स्टूडेंट का 500 रुपये कट गया है उनका जो है 250 रुपये वापस आएगा। यदि आपने साइबर कैफे पे कटवाया हुआ था उनके अकाउंट में जाएगा, मतलब जहाँ पे पैसा कटा था पैसा वहीं पे वापस जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें हैं, आप लोगों को क्या समस्या थी, कैसे थी, आप लोग का डेट भी बढ़ा दी गई है साथियों, रिवेल्यूएशन फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दी गई है। आप लोगों ने अभी तक रिवेल्यूएशन या कॉपी चेकिंग का फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया, कौन सा आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आपके रिजल्ट में क्या दिक्कत थी आप लोग बताइएगा। चाहे आप डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों, डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हों, या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, आप लोग प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइए, तुरंत बताइए आप लोगों के रिजल्ट में क्या अपडेट चाहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ताकि साथियों आप लोगों से जुड़ी जो भी अपडेट आए हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहें। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमोल समय दिया अभी तक वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।